विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को नष्ट करवा दिया, परंतु वशिष्ठ जी ने वो विपत्ति झेल ली। गलत प्रमाण पत्र नहीं दिया कि आप ब्राह्मण। काशी के पंडितों ने बीपी सिंह को राजर्षि कह दिया। किसी को जगतगुरु बना देते हैं काशी के पंडित, किसी को शंकराचार्य बना देते हैं, कुछ मुट्ठी भर हैं दक्षिणा के लोग में हेर। अरे बेटी ने चरों में हेर फेर कर लिया, चतुर्थी बेटी, माँ थी भोली वाली, क्षत्रियोचित जो चरु मांत्रिक अभिमंत्रित चरु, वो चली गई। बेटी ने क्या कर दिया, माँ की ओर खिसका दी। और ब्राह्मणोचित जो चरु तो बेटी ने अपने लिए ले ली। द्वापर तक कलयुग में निषेध है, क्षत्रिय की बेटी ब्राह्मण ले सकते थे। क्षत्रिय की बेटी से ब्राह्मण विवाह करते तो संतान की जाति क्षत्रिय ही होती। द्वापर तक ये मर्यादा चली शास्त्र के अनुसार। इस दृष्टि से क्षत्रिय कुल में ब्याही गई कौन, बेटी, ब्राह्मण कुल में उसकी माँ थी ही। चरु के हेर फेर होने से पति ने कहा पत्नी से एकांत में, तुम गर्भवती तो हो लेकिन बड़ा क्रूर, आंखें लाल लाल, बड़ा भयंकर पराक्रमी, लाखों की हत्या करने वाला पुत्र तुम जन्म दोगी। बेचारी घबरा गई, ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा तो भूल तो हो ही गई, चर तूने खा लिया है। नहीं नहीं ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा कुछ मार्जन कर सकता हूँ, तेरा बेटा ऐसा नहीं, तेरा पोता ऐसा हो। वही जमदग्नि हुए और परशुराम जी बाद में हो गए। विश्वामित्र जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो ब्राह्मणोचित चरु से होने पर भी माँ और पिता का संसर्ग क्षत्रिय वाला था, तो क्षत्रिय होकर ही जन्म लिए। अंतर्निहित उनमें क्या था, ब्राह्मणोचित तेज। उस तेज को अभिव्यक्त करने के लिए कितनी तपस्या उनको करनी पड़ी। वशिष्ठ जी से प्रमाण मांगा कि अब मैं ब्राह्मण हुआ या नहीं। उन्होंने कहा राजर्षि तो आप हैं, ब्राह्मर्षि नहीं हुए, ब्राह्मण नहीं हुए। आजकल गलत प्रमाण पत्र देखिए, हम लोगों की गद्दी वो है, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को नष्ट करवा दिया, परंतु वशिष्ठ जी ने वो विपत्ति झेल ली। गलत प्रमाण पत्र नहीं दिया कि आप ब्राह्मण। ये है परंपरा। अब किसी को आप जिस किसी को कह दें ये हैं ये हैं वो क्या, ये हमारी परंपरा है। काशी के पंडितों ने बीपी सिंह को राजर्षि कह दिया। किसी को जगतगुरु बना देते हैं काशी के पंडित, किसी को शंकराचार्य बना देते हैं, कुछ मुट्ठी भर हैं दक्षिणा के लोग में। अरे वो परंपरा है जहाँ वशिष्ठ जी ने सब पुत्र उनके मार डाले गए, नकली प्रमाण पत्र नहीं दिया। तब करते 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 अंत में ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि अब इनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में जो क्षत्रियोचित संस्कार था क्या हो गया। पारस को जानते हैं, ये जो पारद हमारे गुरु भाई थे लक्ष्मण चेतन, वो एक शिवलिंग रखते थे पारस के दिव्य। सोना को छुआ दो तो पारस, सोना को छुआ दो तो पारद का जो शिवलिंग होगा सोने को पचा लेता, उस वजह नहीं बढ़ता। सोने को भी खा लेने की क्षमता पारद में है, शोधित पारद में। इसी प्रकार से उन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया कि देह को लेकर है ना जाति, सूक्ष्म शरीर तो वही पुराना है। कभी हम कुत्ते रहे होंगे, कभी बंदर रहे होंगे, कभी वृक्ष रहे होंगे, कभी उल्लू रहे होंगे, कभी उर्वशी रहे होंगे, कभी इंद्र रहे होंगे। सूक्ष्म शरीर तो वही है, लेकिन स्थूल शरीर जो अभिव्यंजक संस्थान है वो ब्राह्मण होने पर ब्राह्मणोचित स्वभाव का भी व्यंजन हो जाता है। तो स्थूल शरीर के परमाणुओं का भी शोधन तप के प्रभाव से कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब ब्राह्मण हो गए, यानी क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता है। चरु के प्रभाव से जो प्रतिबंधक सामग्री स्थूल शरीर में थी, माता पिता का राजवीर जिससे उत्पन्न हुआ था, उसमें भी तुमने शोधन कर लिया।
उन्होंने कहा कि आप सर्वस्व हैं, ब्रह्मा जी हैं, लोक पितामह हैं, लेकिन मुझे तब विश्वास होगा जब आपके लाडले लाल पुत्र वशिष्ठ जी भी कह दें। देखिए, मैं भी गलत प्रमाण नहीं लेना चाहता और गलत प्रमाण आप देंगे भी नहीं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए। मैंने द्वेष पूर्वक नहीं, दिव्य दृष्टि के बल पर पहले कहा था कि आप क्षत्रिय हैं। यहाँ तक किया कि वशिष्ठ जी कहीं काम काज से गए थे, वशिष्ठ जी के यजमान को पटा लिया और स्वयं आचार्य बन गए। श्री राम शर्मा के चले रहे होंगे विश्वामित्र जी, ने स्वयं आचार्य बन गए। दक्षिणा के लोभ से या साफ देख के भस्मना कर दें, पंडित लोग उनके आचार्यत्व में आ गए। देवताओं ने आहुति नहीं स्वीकार की। आप कर लो ना इंद्राय स्वाहा, देवता बगावत कर देंगे, आहुति नहीं। बहुत लज्जित होना पड़ा। यजमान का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ और ब्राह्मण बन के जो उन्होंने आचार्यत्व किया, क्षत्रिय होकर यज्ञ कर सकते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों मांत्रिक करा सकते हैं ब्राह्मण ही, तभी उसका नाम यज्ञ होगा। वो भी घाटी पार की। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, मेरे अभिव्यंजक संस्थान लोक पितामह, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो आपको कहा, अब सचमुच में ब्राह्मण हो गए, बाह्याभ्यंतर ब्राह्मणत्व की अभिव्यक्ति हो गए। ये पूरा हो गया समय महादेव।